कांग्रेस के कर्मचारियों ने पेंशन में वृद्धि करने की मांग को लेकर रेलवे बस स्टेशन स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मंडल समन्वयक चंद्रशेखर पाठक ने बताया कि ईपीएस 95 के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन न्यूनतम धनराशि 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। इसके अलावा पेंशनरों को परिवार सहित निःशुल्क सुविधा दिया जाए और ईपीएस 95 से वंचित ईपीएफ धारक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ईपीएफ 95 योजना लाकर 5000 प्रतिमाह पेंशन दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मंडल समन्वयक चंद्रशेखर पाठक ने कहा, हम लोग यहां इकट्ठा होकर रेलवे बस स्टेशन पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 के कार्यक्रम के तहत रैली निकालेंगे। यहाँ से विश्वविद्यालय चौराहे तक जाएंगे और वहाँ रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हमारी हैं? हमारी पेंशन 7500 प्लस डीए किया जाए, हमें परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और जिन हमारे साथियों को इस पेंशन से जो वंचित हैं, कुछ भी नहीं पा रहे हैं, ईपीएस 95 में नहीं आ पाए, उनको भी इसमें ले आ करके कम से कम 5000 रुपये पेंशन दिया जाए। चंद्रशेखर पाठक, मंडल समन्वयक, गोरखपुर मंडल।